हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू जी के में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। दोस्तों, इंडिया में जिस तेज़ी से कोविड-19 पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, जिससे कि हम घर बैठे पता लगा सकते हैं कि हमारे सिम्टम्स कितने मिलते हैं या फिर हमें चेक करवाने की ज़रूरत है या नहीं, चेकअप की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों, आइए उन ऐप्स के बारे में जानते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन रेलवे ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है कोविड-19 के अगेंस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है आरोग्य सेतु ऐप। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप अभी ही हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेल्फ टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, और दोस्तों इसमें ड्रोन फैसिलिटीज़ भी है। 6 ड्रोन कंपनीज़ के साथ आरोग्य सेतु ऐप का कनेक्शन है और ये ड्रोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सब जो स्टेट्स है इनमें है ये ड्रोन फैसिलिटीज़। और इससे क्या किया जाता है, मेडिकल के जो एसेंशियल मेडिकल मेडिसिन वगैरह हैं, इन सबको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कोरोना कवच, और ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। दोस्तों, मेती, आपने नाम सुना होगा मेती, इसने ये ऐप लॉन्च किया है। और मेती का फुल फॉर्म की बात करें तो ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, और इन एसोसिएशन विथ MOHFW। MOHFW क्या है दोस्तों, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, ये दोनों मिलकर इस ऐप को जो है लॉन्च किया है, कोरोना कवच। और ये कैसे काम करता है, अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल जाने तो ये है, ये रियल टाइम लोकेशन ऑफ इन्फेक्टेड यूजर्स देता है। ओके, मतलब कि इट प्रोवाइड्स द रियल टाइम लोकेशन ऑफ इन्फेक्टेड यूजर्स। राइट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गो केरला डायरेक्ट। दोस्तों, ये केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये किस तरह से काम करता है, तो ये अवेयरनेस फैला रहा है जो है कोविड-19 को लेकर, ये कुछ अवेयरनेस फैलाती है, जैसे कि मतलब किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर किस तरह से प्रिकॉशंस लें कि ना हो, तो इन सब को लेकर के ये बात करती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों गोवा पंजाब। गोवा पंजाब की बात करें तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये भी क्या है, एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है महाकवच। दोस्तों, महाकवच महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है इसे देख करके इसे लॉन्च किया है। और जो महाकवच ऐप है, इसके अगर इसकी बात करें तो ये 2 मेजर एसेंशियल प्रोसेसेस पे वर्क करती है। किस किस पे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन ट्रैकिंग। क्वारंटाइन ट्रैकिंग मीन्स जो लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो इन सब पे ये वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट योरसेल्फ गोवा एंड टेस्ट योरसेल्फ पुदुचेरी। दोस्तों, ये दोनों एक दोनों सेपरेट ऐप्स है, एक पुदुचेरी में लॉन्च किया गया और एक गोवा में। और दोनों किस तरह का ऐप है, तो दोनों सेल्फ डायग्नोज कोरोना वायरस सिम्टम्स। ओके, सिम्टम को देख करके हम लोग जो है पता लगाते हैं कि हमें कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर। दोस्तों, ये जो है एक क्वारंटाइन से जो है क्वारंटाइन को चेक करने के लिए एक ऐप है, जिसे तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया है। ओके, तमिलनाडु। दोस्तों, ये किस तरह से काम करता है, तो ये लाइव लोकेशंस पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि हमें अपनी हर एक घंटे अपनी सेल्फी और अपने लाइव लोकेशन के साथ पोस्ट करनी होती है इस ऐप पे, जिससे कि पता चले कि हम क्वारंटाइन पे हैं। ओके, और ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है, और ये पिक्सन AI सॉल्यूशन इसके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्वारंटाइन वॉच। और क्वारंटाइन वॉच की बात करें तो ये कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया है और ये भी सेम प्रोसेस पे काम करती है, सेम प्रिंसिपल पे काम करती है, जैसे कि
हर एक घंटे क्या करना होता है हमें, हर एक घंटे अपनी सेल्फी और प्लस जो हमारा जीपीएस लोकेशन है, इस इन दोनों को हमें अपलोड करना होता है, पोस्ट करना होता है। ओके, और याद रखिएगा क्वारंटाइन वाच जो है ये कर्नाटक की जो सरकार है इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दोस्तों कोरोना वाच, और ये भी कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन इसका प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ये कोरोना इफेक्टेड पेशेंट्स जो होते हैं उनके लोकेशंस के लिए, और उनके जो 14 डेज़ का जो हिस्ट्री है, मूवमेंट हिस्ट्री, मीन्स वो कहाँ गए, कहाँ पे आए, कहाँ से आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये जो है काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति सुविधा। दोस्तों ये सुविधा है, ये गलती से सी आ गया है, ये सुविधा है। ओके, सुविधा दोस्तों ये एक ऐप है जो कि होम डिलीवरी का काम करती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जिसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इसमें जो है अपडेट कर देते हैं और इन्हें वो सामान जो है उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, और ये नेशनल कैपिटल रीजन में, यानी कि जो दिल्ली के पास नोएडा है वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों COVID-19 फीडबैक। दोस्तों COVID-19 फीडबैक जो ऐप है इसमें क्या होता है, ये भी एक सबसे पहले बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऐप है, और इसमें क्या होता है कि जो लोग जिन लोगों को मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, जो लोग पॉजिटिव हैं कोरोना पॉजिटिव और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनका किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका फीडबैक क्या है, ये क्या होता है इस ऐप में हम लोग अपलोड कर सकते हैं। जिसे हुआ है वो क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह से उस वो ठीक हो रहा है या फिर ठीक नहीं हो रहा है, वो सब क्या होगा इसमें अपलोड कर सकते हैं, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन जो है हमारी गवर्नमेंट को हो। ओके, तो दोस्तों ये था कुछ ऐप्स, कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि इजीली गूगल प्ले स्टोर वगैरह में मिल जाती है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है इंडियन रेलवे के बारे में। दोस्तों इंडियन रेलवे आपको पता है कि 15 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने की बात है, तो दोस्तों ऐसा कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, ऐसा अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन लेकिन ये स्टार्ट होने की संभावना है। ओके, स्टार्ट तो होगी बट किस डेट को होगी ये पता नहीं है। 21 डेज़ के लॉकडाउन के बाद स्टार्ट होने की संभावना बनती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन रेलवे ऑन एंड अगेंस्ट COVID-19। दोस्तों इंडियन रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है COVID-19 को लेकर, उसके बारे में जानते हैं। तो COVID-19 आपको पता है किस तरह से बढ़ रहा है इंडिया में, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रोज़ लगभग 500, 600, 700 के आसपास जो है पॉजिटिव केसेस देखे जा रहे हैं। ओके, ऑल ओवर इंडिया में। तो इसे देख करके इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी इंडियन रेलवे जो है इस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कुछ स्टेप्स लिए हैं इसके अगेंस्ट में। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए कि रेलवे स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल जैसे पहले ही हम लोग यात्रा करते थे वैसे अगर करें, तो फिर क्या होगा, केसेस बढ़ने की संभावना है और बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया है, इंडियन रेलवे ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। तो आइए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं उन सब के बारे में जानते हैं। ओके, दोस्तों थर्मल स्क्रीनिंग इज़ रिक्वायर्ड। थर्मल स्क्रीनिंग होता क्या है, तो आपको पता है कि कोरोना पॉजिटिव जो है उनका क्या होता है, बहुत तेज़ी से बुखार आता है उनको, उनका जो है बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो ये थर्मल स्क्रीनिंग होता है ताकि पता चले कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये पहले पता लगाते हैं। उसके बाद क्या है, फेस मास्क विल बी मेड मैंडेटरी फॉर पैसेंजर्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है फेस मास्क जो है ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है पैसेंजर्स के लिए, और ना ना सिर्फ पैसेंजर्स के लिए, ये रेलवे स्टाफ्स के लिए भी मैंडेटरी है और वो लोग यूज़ कर भी रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन रेलवे हैड अर्लियर आइडेंटिफाइड 20,000 कोचेस एज इट्स ओवरऑल कैपेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग आइसोलेशन फैसिलिटीज़। दोस्तों आइसोलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए 20,000 कोचेस की कैपेसिटी है इंडियन रेलवे की, ये उन्होंने आइडेंटिफाइड किया है। तो दोस्तों ये आइसोलेशन फैसिलिटीज़ जो है ये है क्या, तो कुछ कोचेस हैं जिसे कि आइसोलेट किया जा रहा है, और किस लिए किया जा रहा है, तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं उनके लिए किया जा रहा है। अगर वो यात्रा करते हैं तो उन्हें ये जो है प्रोवाइड किया जाएगा
दोस्तों अभी तक टोटल 5,000 जो है कोचेस को आइसोलेट करने की जो है एम रखी गई है, जिसमें कि 2,500 ऑलरेडी कर दिया गया है और 2,500 अभी करना बाकी है। ओके दोस्तों, और बोला कहा गया है इंडियन रेलवे के द्वारा कि एक कोच में 16 आइसोलेशन बेड जो है ये बनाया जा सकता है। दोस्तों कहीं पे 16 है, कहीं पे 18 है, तो 16 to 18 कुछ भी हो। ओके इसके बाद है दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट्स एट 50 रुपीज़। दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट की दाम बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है, और ये इसलिए नहीं की गई है कि इंडियन रेलवे को ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों ये इसलिए की गई है कि क्राउड ज़्यादा ना हो प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे ज़्यादा क्राउड ना हो। दोस्तों क्या होता था, आपको पता है स्टेशंस में जो है रेलवे स्टेशंस में फ्री वाईफाई है, तो लोग क्या करते थे 10 रुपये दे करके घुस जाते थे और जा करके यूज़ करते थे वाईफाई वगैरह, तो उसके लिए क्राउड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन सब को रोकने के लिए जो है इसका प्राइस बढ़ाकर 50 रुपीज़ कर दिया गया है। ओके मतलब क्राउड को कम करने के लिए, जिसे ज़रूरत है सिर्फ वही यूज़ करें। दूसरा है दोस्तों हाइजीन। दोस्तों हाइजीन के मामले में जो है रेलवे ने क्या किया है, जो लोग थूकते हैं स्पिट करते हैं उन लोगों के लिए फ़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है, और इतनी कर दी गई है जैसे कि सेंट्रल रेलवे ने एक ब्यौरा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 130 लोगों से, टोटल 130 लोगों से उन्होंने 13,900 रुपये का फाइन जो है लगाया है। ओके तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फाइन है, तो इसलिए स्पिटिंग के अगेंस्ट में इन्होंने फ़ाइन को बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कंट्रोल रूम एंड टेलीफोन हेल्पलाइन हैव बीन सेट अप एट ऑल रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशंस में जो है कंट्रोल रूम और टेलीफोन हेल्पलाइन सर्विसेज ये सब सेटअप किया गया है, तो ये सब पहले से था, अभी और ही और ज़्यादा अच्छे से जो है इसे सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों एज पर रिपोर्ट रेलवे हैज़ सस्पेंडेड बायोमेट्रिक अटेंडेंस फॉर द स्टाफ। दोस्तों ये तो नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी है, ये जब जब भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे थे तभी से ये सब जो है स्टॉप कर दिया गया था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जितने भी थे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो COVID-19 के ऊपर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरह का कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।